तो दोस्तों सिर्फ हम बात करने वाले बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में और बीओबी के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो प्रोविजनली ऑलमोस्ट 3 to 3.5% के अराउंड की एक बहुत ही बड़ी गिरावट, और इसी के साथ काउंटर के अंदर आज वापस से हमें यहाँ पर जो है वो एक अच्छी खासी शार्प नेगेटिव क्लोजिंग भी देखने को मिली है। अब देखो दोस्तों, बात अगर हम करें यहाँ पर राइट नाउ किसकी, बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो बीओबी के अंदर भी यहाँ पर हमें क्या चलता हुआ देखने को मिल रहा है कि काउंटर जो अच्छे खासे ब्रेकआउट जोन पे था वो अगेन यहाँ पर हमें रिजेक्शन लेकर वापस से फिजल आउट होता हुआ देखने को मिल रहा है। बीओबी के अंदर यहाँ पर यह ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का सिनारियो था कहाँ पे 250 से लेकर 255 के अराउंड, बट स्टॉक ने ब्रेकआउट देने का ट्राई ज़रूर किया लास्ट वीक में, लेकिन वो ब्रेकआउट यहाँ पर जो है वो आज फेकआउट के अंदर कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में एक्सट्रीम लेवल्स पे, और अगर मैं कहूँ तो स्पेशली बैंक निफ्टी में तो हैवी सेलिंग ही चलती हुई हमें देखने को मिल रही है। अब बीओबी जो यहाँ पर रिजेक्शन ले चुका है, डेफिनेटली व्यू यहाँ पर जो है वो फर्दर नेगेटिव ही रहेगा। तो अगर मान लो स्टॉक यहाँ से गिरता है तो नेक्स्ट सपोर्ट इज 240 के नीचे निकलता है तो नेक्स्ट सपोर्ट विल बी 230, तो ये की लेवल्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं।